आज मैं ड्रामेबाज सीजन 3 की विनर बन गई हूँ। एक तो स्टार्ट टू एंड मैंने बहुत मेहनत की। जब भी मैं स्टूडियो राउंड में आई थी तो फिर मैंने ग्रीन कलर का कीड़ा जीत लिया था, तो मतलब तभी से मैंने सोचा था मन में कि अब फिनाले तक जाना है और गोल्डन ट्रॉफी मुझे ही लेके जाना है। मैंने बहुत मेहनत की, कभी कभी मेरे डांस के एक्ट्स होते थे, कभी कोई कोई भैया इधर से उधर उछालते थे तो बहुत चोटें वगैरह आती थी, मतलब बहुत पेन होता था। लेकिन आज उस मेहनत की वजह से मैं IBD जीत गई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले तो बस ऐसा वाला कीड़ा मिल गया था, ग्रीन कीड़ा, लेकिन मतलब वो कीड़े से गोल्डन ट्रॉफी मिली है, गोल्डन कीड़े की ट्रॉफी, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। दो दो कीड़े आ गए मेरे पास। अब तो मैं थोड़ा सा सिंगिंग भी करूँगी और पढ़ाई भी करनी है मुझे। बड़ी होके मुझे बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है, सो एक्टिंग और डांसिंग में मतलब इक्वल रखूँगी, क्योंकि एक्ट्रेस बनने के लिए एक्टिंग भी चाहिए और डांसिंग भी चाहिए और सिंगिंग भी चाहिए। तो मैं सिंगिंग मतलब इतना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ट्राई कर लेती हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांस से मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू। एक्टिंग और डांसिंग में मतलब ये शो जब चल रहा था तो हार्ड होता है मैनेज करना पढ़ाई, लेकिन मेरे मम्मी ने बुक्स ला के रखे थे मेरे सब्जेक्ट्स के सारे, सो मतलब तो मुझे इजी हो जाता था पढ़ाई भी करनी। मैंने तीनों जजेस से ये सीखा कि कहाँ पे जब कोई इमोशनल एक्ट होता है या फिर कोई कॉमेडी एक्ट होता है तो कौन से वर्ड पे स्ट्रेस देना चाहिए और कैसी लाइन बोलनी चाहिए। और मैंने सीखा है मॉड्यूलेशन, सीखा है विवेक सर से और उमंग सर से, हुमा मैम से, और मैंने तलफ़ुज़ भी सीखा है, क्योंकि ज च ये कभी कभी हम लोग जब डायलॉग बोलते हैं तो हम मराठी है तो हम लोग का ऐसा मतलब ऐसा निकलता है चलो अब मैं जाती हूँ, तो वो च समझ आता है ना जब भी हम लोग कैमरा में दिखते हैं। तो फिर मुझे विवेक सर ने बोला था अपने तलफ़ुज़ पे काम करना, और मैंने वो काम किया है और वो बहुत प्राउड है। विजय, तेरी हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की, तुझे इतना भी याद नहीं रहता कि मैं तेरी माँ हूँ। थैंक यू।